हाय दोस्तों, अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटर सी बुक का सेकंड चैप्टर इंस्ट्रक्शन इन सी की एक्सरसाइज क्वेश्चन एच बी। इसके अंदर क्या कह रहा है, अटेम्प्ट द फॉलोइंग। इफ ए फाइव डिजिट नंबर इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, राइट ए प्रोग्राम टू रिवर्स द नंबर। इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर के अंदर, वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करा था एंटर फाइव डिजिट नंबर एंड सम ऑफ द डिजिट्स। ये सब पांच डिजिट के नंबर इनपुट हमने लिया था और उसकी अलग अलग डिजिट का सम हमने यहाँ पे करा था। अब यहाँ पे उन नंबर्स को जस्ट रिवर्स करना है, तो इसके लिए हम चलिए वापस से हम पहले तो नोटपैड पे चलेंगे, फिर हम कीबोर्ड पे चलेंगे। ये हमारा प्रोग्राम था सम निकालने का, तो इसके लिए देखिए नंबर तो ये आ गया। अब हमारे पास डिजिट कितनी है इसके अंदर, डिजिट वन, डिजिट टू, डिजिट थ्री, डिजिट फोर, डिजिट फाइव। अभी फाइव डिजिट हमारे पास में हो गई है। अब ये डिजिट्स क्या है हमको आउटपुट में निकालनी पड़ेगी कैरेक्टर के अंदर, और निकले चलिए पहले तो हम निकालते हैं डिजिट्स निकलेगी कैसे। तो सबसे पहले तो डिजिट फाइव हमारे पास में निकलेगी कैसे, हमने पिछले वाले जस्ट प्रोग्राम के अंदर चेक करा था, रिमाइंडर से हमारे पास में लास्ट वाले डिजिट आ जाती है 1 2 3 4 5। मॉड्यूलो ऑपरेटर 10 अप्लाई करा तो हमारे पास में डिजिट फाइव की वैल्यू हो जाएगी 5। उसी तरीके से डिजिट फोर क्या आएगा, जब नंबर के अंदर वापस से असाइन हो जाएगा, नंबर के अंदर क्या चला जाएगा, नंबर के अंदर चला जाएगा 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 1 2 3 4। तो यहाँ पे डिजिट 4 क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 मॉड्यूलो ऑपरेटर 10 इक्वल टू आएगा 4। इस तरीके से हमारे पास में सारी सारी डिजिट्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, अल्टीमेटली कितनी आ जाएगी 1 2 3 4 5। अब देखिए डिजिट्स हमारे पास में आई है इंटीजर टाइप के अंदर, अब इनको जस्ट रिवर्स करना है। तो रिवर्स कैसे करेंगे, अभी अगर हम इसको जैसे अप्लाई कर देते हैं 1 by 1 करके तो ऐसा तो काम होगा नहीं। अब इसको हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी भी तरीके से, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करो या किसी भी तरीके से करो। तो 5 4 3 2 1, बट हमें चूंकि डिस्प्ले करना है, इनको कहीं यूज नहीं करना है, तो हम सिंपल इनको सीधा सीधा डिस्प्ले कर देंगे। कैसे, परसेंट डी लगा के स्पेसिफाई करके। अभी हम इसको प्रोग्राम के अंदर रन करा करके चेक करेंगे। प्रोग्राम हमारे पास में लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग वाले का, तो ये जो कोड था हमारा, इस कोड को ही हम सेवेज कर लेते हैं, पहले रिवर्स कर लेते हैं इन फाइलों को। ये फाइव डिजिट नंबर आ गया, इसके अंदर ये जो सम चली गई है, अब इसमें सम की जगह पर हमें क्या करना है, पांच डिजिट अलग अलग करनी है। डिक्लेयर डिजिट अंडरस्कोर 1 बड़ा ना करके छोटा छोटा कर देते हैं, डी अंडरस्कोर 2, डी अंडरस्कोर 3, डी अंडरस्कोर 4, डी अंडरस्कोर 5। सबसे पहले हमारे पास में रिमाइंडर के अंदर आएगा लास्ट डिजिट डी अंडरस्कोर 5, तो वो नंबर को 5 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गई। तो यहां पे क्या आएगा, अब डी अंडरस्कोर 5 इक्वल टू 5, नंबर की वैल्यू सेम चली गई है 1 2 3 4 चला गया। अब यहां पे हमारे पास में डी अंडरस्कोर 4 की वैल्यू आएगी कितनी, सम हमने यहां पे हटा दिया है, नंबर की वैल्यू करी है, इसको जब करा है हमने तो 1 2 3 4 मॉड्यूल ऑपरेटर 10। अब हमारे पास में डी 4 की वैल्यू कितनी आ गई है, डी अंडरस्कोर 4 की वैल्यू 4, सेम ये नंबर चला गया। अब यहां पे आ जाएगा डी 3, इसको मैंने यहां से हटा दिया, सम नंबर की वैल्यू क्या आ रही थी हमारे पास 1 2 3 डिवाइडेड बाय मॉड्यूल ऑपरेटर 10, तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, तो डी अंडरस्कोर 3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो ऐसे पूरा चलेगा, ये 1 2 हो गया। अब यहाँ पे सम हटा दिया मैंने वापस से,
डी अंडरस्कोर टू, ये मैं इसी प्रोग्राम में एग्जीक्यूट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि पहले हमने क्या करा था और अब हम इसको कर क्या रहे हैं। नम की वैल्यू आ गई टू, मॉड्यूल ऑपरेटर अप्लाई करा 10, तो ये आ गया 2, तो डी अंडरस्कोर 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2, ये 1 आ गया, अब लास्ट आ गया हमारे पास डी अंडरस्कोर 1। तो डी अंडरस्कोर 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। रिवर्स नंबर अब इसने हमको क्या कहा, प्रिंट करने के लिए कहा, इसके अलावा कुछ करने के लिए नहीं कहा है। तो नंबर का जो रिवर्स क्या आएगा, अलग से कर देते हैं, हटा देते हैं इसको, नई लाइन के बाद में परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी, 5 यूनिट आ गए हमारे पास। अब पहले सबसे पहले D5 था, अब हमने D1 था, अब हम इसको सबसे पहले D5 कर देंगे, D_4 कर देंगे, D_3 कर देंगे, D_2 कर देंगे, D_1 कर देंगे, क्योंकि हमको इस नंबर का कुछ करना नहीं है, जस्ट केवल प्रिंट करना है, तो इसी से हमारा काम हो जाएगा। अदरवाइज हमको कन्वर्जन वगैरह बहुत सारी चीजें अप्लाई करनी पड़ती उस नंबर को चेक करने के लिए। लिख दे, एंटर करते हैं 1 2 3 4 5, 5 4 3 2 1 आ गया। इसके अलावा दूसरा कुछ और भी एंट्री करके चेक करते हैं ताकि हमारा डाउट क्लियर हो जाए, 7 8 9 5 6, तो क्या होना चाहिए 5 6 9 8 7, नंबर रेंज से बाहर चला गया, 2 5 7 8 5 5 8 7 5 2। इससे जस्ट पहले हमने क्या करते हैं, इंटीजर की जो रेंज होती है उस -3 -2 से लेकर वहां तक की, तो उस रेंज से बाहर चले गए तो हमारा नंबर कुछ और ही आ गया। ये भी है सी के अंदर, अगर कोई भी चीज रेंज से बाहर चले गए तो गार्बेज वैल्यू कुछ भी उठा लेगा, क्योंकि सी डायरेक्ट मेमोरी से कनेक्टेड रहता है। इस तरीके से हमने ये प्रोग्राम भी टेस्ट कर लिया। तो स्टेप बाय स्टेप करना बहुत ही जरूरी है, आपको मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा हर प्रोग्राम को, हर एग्जाम्पल को स्टेप बाय स्टेप चेक करना, भले ही वो केवल इन द ब्लैंक्स को फिल करना हो चाहे केवल ट्रू फॉल्स हो, क्योंकि उन्हीं के साथ में आपके कंसेप्ट बिल्ड होते हुए जाएंगे कि आपने जो पढ़ा था। पढ़ने के लिए, कंसेप्ट को पढ़ने के लिए तो आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, लेकिन उसको प्रैक्टिस जितना करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा सारा कुछ करना। ओके, थैंक यू।